नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। आज हम हैं प्रगति मैदान में और प्रगति मैदान के अंदर जो हम हैं फैशन के हब में बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल फैशंस की बात करें तो यहां पर इस समय मेला लगा हुआ है और कह रहे हैं कि जो टेक्सटाइल का जितने भी कारोबारी हैं, बड़े से बड़े कारोबारी यहाँ पर मिलेंगे आप लोग। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मेले की यूएसपी क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम और आपके संस्थान का नाम। मेरा नाम है विराट कुमार, मैं फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ फ्रॉम निफ्ट दिल्ली। जो कंपनी का नाम है अज़ीनिया इंडिया, जो कि एक्सपोर्ट हुआ करती है। लास्ट 21 साल से एक्सपोर्ट बिजनेस में हम लोग हैं एंड 43 प्लस कंट्रीज को हम लोग अपना कंसाइनमेंट दे रहे हैं। अभी तक हम लोग मोर देन 293 कस्टमर्स को हम लोग कैटर कर रहे हैं एंड हमारे पास मोर देन 10,000 डिफरेंट स्टाइल्स है। गजब की बात है। ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूरोप की ब्रांडिंग है और इंडिया में भी हम लोग यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिया के बनाए हुए कपड़े और जब यूरोप के लोग पहनते हैं और वो जब आपको पसंद करते हैं तो कैसा फील होता है? एक तरह से ये भी एक तरह की देश सेवा है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मनी आता है। बहुत प्राउड वाली मूवमेंट होती है जब हम अपना डिज़ाइंस यूरोपियंस को एंड बाहर की कंट्रीज को पहने हुए देखते हैं एंड उसमें यू फील वेरी प्राउड अबाउट योर कंट्री, वेरी प्राउड। लाइक हमें लगता है कि हम कुछ अपने देश के लिए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक सैनिक अपनी ड्यूटी करता है, वो क्या करता है कि देश की सुरक्षा करता है, आप देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित करते हैं और कहते हैं जितना एक्सपोर्ट करेगा देश उतना मजबूत होगा। फॉरेन करेंसी हम अपने देश के लिए हम लोग लाते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटीज है जो फॉरेन चीज लाने में इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल है। हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है 3 गुना तक, उसमें हम लोग इकोनॉमी को कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है, तो उसमें भी हम लोग कार्यरत हैं एंड ऊपर वाले की दया से हम लोग अचीव भी करेंगे। एक डिजाइनर होता है ना, उसका काम होता है कि पूरी अब क्या जब सोचते हैं ना तो कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, बिल्कुल पीसफुल और बड़ा कहते हैं बारीकी और ध्यान का काम है। अगर आप डिजाइन आपका अगर ढंग से नहीं है तो फिर आपका माइंड शांत नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो आप तो एक डिजाइनर भी है, चला भी रहे हैं इतना कुछ, और मैं देख रहा हूँ आपने कहा कि बहुत सारे ब्रांड भी आपके साथ जुड़े हुए होंगे जो लोग खरीद रहे होंगे, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को कैसे कैटर कर रहे हैं? हम लोग हमारी एक दूसरी कंपनी है विराट कुमार, जो हम लोग अपने नाम अपने डिज़ाइनर नेम पे हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का अलग अलग ब्रांड है, 8 डिफरेंट ब्रांड्स है। इसमें हम अपने लेवल पे पूरा B2B एंड B2C माल हम बेच रहे हैं। डोमेस्टिक कहते हैं कि 1 अरब से 1.5 अरब के करीब आबादी है भारत। डोमेस्टिक मार्केट में पोटेंशियल इनॉर्मस है। आई कैन से मैं इसको मतलब बोल सकता हूँ कि डोमेस्टिक मार्केट का पोटेंशियल इवन यूएस के पोटेंशियल से भी ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन हाई एंड की भी बात करें हम, तो हाई एंड कस्टमर भी काफ़ी बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट में, वो चाहे मॉडल्स हों, चाहे स्टार्स हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों, बहुत सारा यहाँ भी अपने आप में कहते हैं कि जितने यूरोप है पूरा उतना तो इंडिया ही है, लेकिन लोग ज़्यादातर यूरोप की तरफ फोकस करते हैं और उधर तो इंडियन फोकस मतलब देखिए हमारे ही डिजाइंस बन करके बाहर जाता है और वो यहाँ से और वो फिर मतलब हमारे ही डिजाइंस। तो अब इसमें आप देखिए कि हम लोग अगर अपने कंट्री के लिए भी डिजाइंस अगर बनाते हैं तो हमारी कंट्री में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट है। लोगों के पास पैसा है एंड सीजन टू सीजन हर हाउस होल्ड के पास बाहर के फॉरेनर से ज़्यादा पैसा है।
हायर ज्यादा स्पेंडिंग पावर, स्पेंडिंग लिमिटेड लगातार ये भी कह रहा है कि हायर मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है और लोगों में अब लोग भी अच्छा खर्चा करने लगे। देश जो है उन्नति के राह पे है। पिछले 10 साल में तो बहुत ही ज्यादा देश ने प्रगति किया है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा। एंड आप देखो ये भारत टेक्स जो है इसमें मोदी जी का इतना बड़ा पहल है, सारे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है, एक जगह पे लाया है ताकि जहाँ पे वेंडर्स भी, सप्लायर्स भी, एक्सपोर्टर्स भी सब एक साथ हैं। हमारे विदेश के जो कस्टमर्स हैं सब लोग एक जगह पे आकर के सब एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, सबको अपना पोटेंशियल मिले की मार्केट में। आप तो इंटरनेशनल मार्केट में भी फेयर करते होंगे, तो इंडिया का ये फेयर अभी कितना और हमें प्रगति करनी है या हम उनके लेवल पे पहुंच गए? क्योंकि कुछ लोगों से मैं फॉरेनर से मिला था, कह रहे वन ऑफ दी थ्री फेयर्स के, टॉप थ्री फेयर्स की बात करेंगे तो उनमें अब इंडिया कर सकती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वो नोएडा में एक्सपो मार्ट हो या यहाँ हो, क्या कहेंगे आप? इंडिया के पास जो हमारा फेयर्स में, जैसे हमारा जो ये भारत टेक्स है, उसके ईपीसीएच का जो फेयर है, ईपीसीएच का फेयर जो है हमारा, जो साल में दो बार होता है, ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग समर, ये अक्रॉस द ग्लोब वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर है। वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर्स में हमारा ये इंडिया का फेयर आता है, जिसमें कि मोर देन 5,000 से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं ओवरसीज के। अभी 3,000 से ज्यादा, मतलब उस हमारे फेयर्स में 5,000 से ज्यादा लोग आते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और बहुत बड़ी इंटरनेशनल बायर जो कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर आ जाए तो बहुत बड़ी बात। डोमेस्टिक के भी बहुत सारे लोग आते हैं, इंटरनेशनल के भी बहुत सारे। अच्छा, क्या और किया जाए अगर आपको कुछ कहना हो सरकार से, मतलब कुछ क्या? और सबसे पहले मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट, एमएसएमई का जो रूल आ रहा है 45 डेज का पेमेंट लिमिटेशंस पे, इसको थोड़े टाइम के लिए इसको रोका जाए। सबसे बड़ी जो वो उसकी अभी कवायद चल रही है सारे काउंसिल्स, अच्छा सारे के काउंसिल्स सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जैसे हम लोग एक्सपोर्टर हैं, हम लोग एक्सपोर्ट में अपने कस्टमर को 90 डेज का क्रेडिट देते हैं या LC 90 डेज का होता है, कभी कभी तो उसके बाद फिर बनाने में 90 दिन का टाइम और लगता है। तो हम लोग ऑलरेडी जो है अपने पूंजी को 6 महीने का के लिए घुमा रहे हैं। अगर हम सप्लायर्स को हम एक समीकरण बना हुआ है, जिसमें कि हम अपने सप्लायर से उतना इंटरेस्ट के ऊपर माल खरीदते हैं, सप्लायर्स भी अपना उन्हें पता है कि 90 डेज का पेमेंट है तो उसके हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट जोड़ करके हमें देते हैं। अब इसमें सरकार जो बोलेगी कि नहीं, आपको 45 दिन में पेमेंट करना है, तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है पूरा चरमरा जाएगा। तो इसको हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, हमारे जो सब लोग हैं, जितने अथॉरिटीज हैं, कि प्लीज इसको वापस लें। ये अच्छा, ये एक तो रूल्स की बात हो गई कि पेमेंट का जो नया जो कह रहे हैं आप, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर जो है आपका समर का कलेक्शन बहुत जबरदस्त है, और समर्स भी है अभी। हम लोग का इंडिया में मोस्टली जो है समर्स का ज्यादातर हम लोग का एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि आप देखो विंटर में चाइना का डोमिनेट करता है, चाइना का आर्टिफिशियल जो पॉलिस्टर ब्लेंडेड फर्स है, चाइना का ब्लेंडेड वो सब। कॉटन में तो हमें मात नहीं कर सकता कोई, कॉटन में तो हम जूट हमारा कॉटन अक्रॉस द वर्ल्ड 3 कंट्रीज का नंबर 1 है। 3 कंट्रीज ही मेनली कॉटन के मेन सप्लायर, बेस्ट कॉटन जो है इजिप्ट का है, इजिप्ट का है, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया।
लेकिन जिस लेवल पे हम लोग कॉटन कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर द नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ पॉलिएस्टर में चाइना अब हम लोग भी हैं। अच्छा हम लोग इंडिया भी पॉलिएस्टर में चाइना से कोई कम नहीं है, मतलब बराबर टक्कर ली जा रही है बराबर। चाइना को मतलब हम लोग हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है पूरा जो है चाइना को बीट करने के इसमें है थोड़े टाइम में। देखिए ये उत्साह है एक कारोबारी का और एक कहते हैं ना एक्सपोर्टर का, उत्साह तो पूरा है, शक्ति भी पूरी है, सिद्धांत भी पूरा है और समर्थन और कहते हैं कि संकल्प भी पूरा है, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि कुछ जो पॉलिसीज हैं थोड़ा सा इन्होंने बताया वो पॉलिसीज एक्सपोर्टर फ्रेंडली होनी चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो चल रहा है जो स्पीड पकड़ी है गाड़ी उस पर हल्की ब्रेक ना लग जाए, तो वो वाली चीज है। और एक चीज और बता रहा हूँ, जो सरकार सोच रही है कि 45% का पेमेंट लिमिटेशन करने से छोटे कारोबारियों को फायदा होगा, फायदा कुछ नहीं होना क्योंकि एक 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 दूसरा तरीका होगा कि जो बड़े व्यापारी हैं उन छोटे व्यापारी को बोलेंगे कि भाई हम आपसे काम ही नहीं ये करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, जो हमारा हमारी हमारे उस पे काम करेगा उस पे उससे काम करेगा। जो अगर अगर आप सोचो कि अगर कोई बड़ा व्यापारी बोलता है कि इधर तुम मुझे आप लंबे समय के लिए उधार दो, MSME में आप रजिस्टर हो गए तो आपसे काम नहीं करेंगे, फिर क्या आप कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओ। देखिए फिर गवर्नमेंट का तो ये सारा जो है ये उल्टा हो जाएगा, छोटे तो मार्केट से निकाल दिया जाएगा, संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, तो इसलिए इस चीजों में पेमेंट का एक व्यापारी और उनके जो सहयोगी हैं उनके सप्लायर्स, इनमें आपस में एक समीकरण बना हुआ है, एक आपस में तालमेल बना हुआ है, इसके थ्रू लोग एक दूसरे से समन्वय बना करके कार्यरत हैं। इसको सरकार से निवेदन यही है कि इसको कृपया न बिगाड़े, अभी जिस ग्रोथ पे हम चल रहे हैं इसको 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 को चलने दें, ब्रेक ना लगवाए। हाँ, इसको चलने दें। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार को इस बार भी फोकस करना पड़ेगा कैसे जो समन्वय जो तालमेल बना हुआ है जो स्पीड पकड़ा हुआ है एक्सपोर्ट का भारत में, वो अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो एक्सपोर्टर्स की बात को समझना होगा और समझना होगा कैसे उनको बढ़ाया जाए, कैसे उनको सपोर्टिव एनवायरमेंट दिया जाए। अगर कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं, कोई ऐसा नियम आता है जिससे उनको लगता है कि भाई एक्सपोर्टर्स को दिक्कत होने वाली है या उनका जो एक एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अपसेट हो रहा है या अप डाउन हो रहा है, तो उसको सरकार को रोकना चाहिए और ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे सबका भला हो, छोटे जो ऐसा है नहीं हो कि छोटे जो सप्लायर हैं उनके नुकसान हो जाए कहीं इस पॉलिसी के चक्कर में, या फिर सरकार को ऐसी चीज़ों से मैं हाथ नहीं डालना चाहिए जिससे जो एक समीकरण है वो बिगड़ जाए। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको? I can only tell best of wishes to everyone, all my exporters community, all my industrialists, all the businessmen, and मैं सिर्फ यही भी बोलूँगा कि सब लोग मिलकर के काम करते हैं एंड देश को इकोनॉमिकली और आगे बढ़ाते हैं। देश बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और जैसे सैनिक लगे हुए हैं, जैसे किसान लगे हुए हैं देश की सेवा में, वैसे एक्सपोर्टर भी लगा हुआ है। एक्सपोर्टर का काम है कि दुनिया भर से विदेशी मुद्रा भारत के अंदर लाना जिससे भारत अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके, वो चाहे तेल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक्सपोर्टर रहेगा, जब एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा देश का, उसी देश को हेल्दी माना जाता है, वहीं कहते हैं प्रॉस्पेरिटी आती है, वहीं पे समृद्धि आती है और समृद्धि का प्रतीक है एक्सपोर्टर, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए। देखते रहिए मिनी संसद।